भारत की शाजी विरासत को संजोएगी बुद्ध से कबीर तक यात्रा। पूर्वांचल में बीते 5 वर्षों से आयोजित होने वाली बुद्ध से कबीर तक यात्रा का इस वर्ष 19 नवंबर से प्रारंभ हो गई है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर पदयात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उद्बोधनों के माध्यम से लोगों के बीच देश की एकता और संवैधानिक राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता की अपील की जाएगी। यह जानकारी बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक पूर्व डीजीपी गुजरात डॉक्टर विनोद मल्ल ने गुरुवार को यात्रा के दौरान दी। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश सिंह, जयराम सिंह, धर्मेंद्र कुमार मल्ल ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से छात्रों में रस है। क्या नाम है सर जी आपका? विनोद मल्ल। कैसा आयोजन हो रहा है, किस चीज को लेकर आयोजन हो रहा है? हम बुद्ध से कबीर तक संस्था की तरफ से आए हैं, समाज के भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, हिंदुस्तान की साझी विरासत को मजबूत करने के लिए और संवैधानिक मूल्यों को प्रगाढ़ करने के लिए हमारी ये यात्रा होती है। उसी के लिए कहाँ कहाँ यात्रा चल रही? ये यात्रा 5 जिलों में है, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और संत कबीर नगर में यात्रा चल रही है। परसों से शुरू हुई है, 2 दिन और चलेगी। इससे पहले भी तो आप आ चुके हैं? पिछले 6 सालों से यात्रा चल रही है, हर साल कार्यक्रम होते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर यात्रा।